पंथ दा गदार कौन आ? बादल परिवार। कैप्टन वल्लों भी अपने प्रचार दौरान किया गया कि बेअदबी दियां पैड़ां बादल दे परिवार वल जांदियां। गुरमुख इह अपराधी परिवार आ, पंथ तों गिरिया होया परिवार आ। संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां तों बाद हुण जथेदार भाई अमरीक सिंह अजनाला दा पेच दमदमी टकसाल दे संत हरनाम सिंह धुम्मा दे नाल फस गया है। अमरीक सिंह अजनाला ने फेसबुक उपर वीडियो पा के हरनाम सिंह धुम्मे उपर निशाने साधे ने। अजनाला ने कहा कि पिछले समय तों धुम्मा उन्हां दे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे ने। वीडियो विच उन्हां कहा कि संत हरनाम सिंह पहलां अपने कुरैतां दी पंज प्यारां कोलों माफ़ी मंग के तनखाह पूरी करन। अजनाला ने इल्जाम लगाए कि संत पिंडरां वालियां नूं अतवादी कहण वालियां नूं हरनाम सिंह धुम्मा सरोपे पा के सन्मानित करता रहा है। अजनाला ने इस वीडियो दे विच बादल परिवार नूं भी पंथ दा गद्दार दसदे होए खूब रगड़े लाए ने। की कहा अजनाला ने अपने इस वीडियो दे दौरान, खुद सुनो। गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं मेरे वल्लों सत्कार सहित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संग जी, धुम्मे वल्लों परसों रोज मेरे उपर कुछ सवाल ते बयानबाजी कीती गई। मैं समूह संगतां नूं निम्रता सहित बेनती करदा हां कि सिक्खी सिधांतां दी गल, सिख परंपरां दी गल उह बंदा कर सकदा है जिहड़ा सिक्खी असूलां उपर पहरा देंदा चलदा गुरमत दा धारनी आ। धुम्मा लंबे समें तों लै करके दमदमी टकसाल दे जथे विच रह करके बजर क्रैत करता रहा है। मेरे को लिखती सबूत भी आ, लोड़ पैण ते मैं संगतां दी रूबरू होकर के पेश भी कर सकदा, पर बजर क्रैत करन तो परंत यह सामलिंग भोगी भी है। इन्हें गुरमुख अजे तक बजर क्रैत करके पंजा प्यारां दे पेश होकर के माफ़ी नहीं मंगी। मैं बेनती करदा कि जेकर सिक्खी सिधांतां दी गल करनी आ, पहला पंजा प्यारां दे पेश होवे, अपनी कीती हुई करैत की गलती की सुधाई करावे, लगी हुई पंजा प्यारां वल्लों तनखाह पूरी करे, तनखाह पूरी करके अरदास बेनती करके सिखी सिधांतां की गल कर सकदा। उपरंत पंथ दे गदारां दे नाल इहदी गुरमुखो संधि है। पंथ दा गदार कौन आ? बादल परिवार। जिस बादल परिवार ने सन 78 दी विसाखी नूं 13 सिंह शहीद किए, अनेकां नूं गुरमुखों फट्टण कीता गया। इसे तरह बादल परिवार वालों श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरिमंदर साहब ते होर गुरधामां ते अटैक कराया गया। इसे तरह बादल परिवार वालों 2015 नूं लंबा समा धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह की बेअदबी की गई, करवाई गई। कैप्टन वालों भी अपने प्रचार दौरान किया गया कि बेअदबी दियां पैड़ां बादल दे परिवार वल जांदियां। उपरंत जदों कैप्टन दी सरकार बनी, कैप्टन सरकार वल्लों एक टीम तैयार की गई। टीम ने जांच पड़ताल की, अपनी जांच पड़ताल रिपोर्ट अदालत विच गुरमुखों पेश की गई आ। इस रिपोर्ट नूं अदालत विच पेश करके मीडिया दे रूबरू हो करके उन्हां पुलिस अफसरां ने संगतां नूं जाणू करवाया है कि इस बेअदबी दे मुख दोषी सुखबीर बादल, समेध सैणी, उपरंत सरसे सौदे वाला राम रहीम आ। गुरमुखो इह अपराधी परिवार आ, पंथ तों गिरिया होया परिवार आ, पंथ दा विरोधी परिवार आ। इस पंथ विरोधी परिवार दे नाल बादल दी लंबे समय तों उपसंधि आ। इसे तरां सिख नौजवानां दा खून पीण वाला इजहार आलम, इहदे नाल वी गुरमुखो धुम्मे दी संधि आ। श्री मान संत ज्ञानी जरनैल सिंह महापुरखां नूं हरियाणा सूबे सरकार दा मुख मंत्री खट्टर अपनी जबान दे नाल संतां नूं अतवादी दसदा, पर धुम्मे वल्लों सिरों पाओ दे करके सन्मानित कीता जांदा। मैं सारियां संगतां नूं निम्रता सहित बेनती करदा कि जेकर धुम्मे ने मेरे नाल विचार करनी आ, पहला सिखी सिधांतां नूं अपनावे, बजर करैतां दी जिहड़ी कीती हुई गलती उहदी सुधाई करावे, जिहड़ा पंच गदारां दे नाल संधि कीती आ, पंजां तख्तां दे जथेदारां दे पेश हो करके समुचे पंच कोलों मुआफ़ी मंगे, अपनियां कीतियां हुईयां गलतियां दी लगी हुई तनखाह पूरी करे,
फिर ये पंथ दी गुरबाणी दी सिद्धांत दी गल करदा नहीं ते गुरमुखो तो मैनू कोई अधिकार नहीं कोई सिक्खी सिद्धांतां दी सिख परंपरा दी गुरबाणी दी गल कर सके क्योंकि कलगीधर पातशाह जी दे वचन हन रहत बिना न सिख कहावै रहत बिना दर चूटा खावै रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही। ये जेकर जिन्ना चिर रहत वाण नहीं हुंदा उन्ना चिर गुरमुखो ये सिख नहीं अखवा सकदा जिन्ना चिर सिख नहीं अखवा सकदा उन्ना चिर गुरमुखो तो मैनू कोई अधिकार नहीं कि वह सिख परंपरा की गुरबाणी की कोई भी गल करे। जदों पंजां प्यारां दे पेश हो करके तनखा लवाई इस तरह पंच कोलों माफी मंगेगा उस दिन तो इहनूं अधिकार है सिख परंपरा की गल करनी सिक्खी सिद्धांतां की गल करनी। जदों इन्ना कुछ कर लवेगा सिक्खी परंपरा के उपर मन बाणी शरीर करके पहरा देवेगा उस दिन अमरीक सिंह जिथे भी इहनूं आवाज मारेगा मैं चल करके इहदे नाल विचार चर्चा करांगा। जिन्ना चिर ये कुछ नहीं करदा उन्ना चिर इहनूं कोई अधिकार नहीं कि सिक्खी सिद्धांतां की गल सके कर सके। ये बेनती देशां अते विदेशां दीआं संगतां ने प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतिह।